अस्सलाम वालेकुम एक्सप्लोर पाकिस्तान विद बासित कुरैशी। आज हम वादी कागान की खूबसूरत वैली को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो कि कागान से 13-14 किलोमीटर के फासले पर है। ये खूबसूरत वैली है जिसका नाम परता वैली है। इंशाल्लाह आज हम ऐसी खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि आपने पहले ना देखे हों। हमारे साथ रहिए, आगे चल के खूबसूरत मनाजर आने वाले हैं। इस वादी की हाइट तकरीबन 5 से 6 हज़ार फीट की बुलंदी पे है और रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, हाइकिंग इसकी थोड़ी सी टफ है। बट ये कि जो नेचर से लवर करने वाले होते हैं वो रास्तों को नहीं देखते, वो सिर्फ मंजिल की परवाह करते हैं। गर्मी में बहुत सारे लोग आते हैं पंजाब से, कई सूबों से आते हैं, लेकिन वो जस्ट नारान तक या बटकुंडी तक, जहाँ तक गाड़ी इजीली जा सके वहाँ तक वो मतलब उसको जाते हैं, देखते हैं। उनकी जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा मुश्किल है, हाइकिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ तक उन लोगों की रह। ये दरिया कुनार है जिसमें वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, डेंजरस है। पानी की रफ्तार खासकर गर्मियों के मौसम में तेज़ होती है क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं और जो जो ग्लेशियर से पानी है वो इसमें शामिल हो जाता है, इसमें पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। और जिस पुल से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये काफ़ी डेंजरस है, आप देख सकते हैं वीडियो में इसकी क्या हालत है। मकामी लोग जो है इसी को इस्तेमाल करते हैं, इस पुल की हालत खस्ता हालत है। मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, मैनेजमेंट वहाँ की मैनेजमेंट से पुल तामीर किया जाए ताकि कोई वाकया रोनमा ना हो, क्योंकि पुल की हालत बहुत ही ख़राब है, कभी भी ये पुल गिर सकता है। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे पुल तामीर किया जाए ताकि आवाम के लिए आसानी हो। शाम का वक़्त है और कितना प्यारा नज़ारा है, देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारी कुकिंग हो रही है, देसी कुकिंग। आज जो है ना गोश्त को फ्राई किया जा रहा है, तो दियार की लकड़ों पे अगर कोई चीज़ बनाई जाए तो उसका अपना ही जायका होता है। तो आज मैं कुकिंग कर रहा हूँ तो यही मज़ा होता है जब बंदा जी हाँ। ये परता वैली पहुँच चुके हैं हम। माजरत के साथ मैंने कुछ मनाजर बीच में से स्किप किए हैं क्योंकि उनको अगर रिकॉर्ड करता तो ये वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने बीच में कुछ चीज़ें स्किप की हैं, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट या कभी जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये है परता वैली, ये मेडोज है, काफ़ी प्यारी मेडोज है। यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट पिच भी बनी है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी अगर आप फोकस करें। यहाँ कभी कभार क्रिकेट का मैच भी होता है लेकिन यहाँ खेलने का अपना ही मजा है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर जंगल के दरमियान वो भी क्रिकेट का मैच क्या नजारे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है ये। मस्जिद की तमीर हो रही है जहाँ
छत पे मिट्टी डाली जा रही है जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो इस रैली के इर्द गिर्द घने जंगल है और इस घने जंगल में कई जंगली जानवर भी पाए जाते हैं काफी, जैसा कि भालू, रीछ कहते हैं, शेर और कई जंगली जानवर हैं। और इस जगह की जो है खासियत ये है कि सर्दियों में काफ़ी सर्दियों में तो बर्फबारी होती है, सर्दियों में तो यहाँ पे लोकल जो है यहाँ से निकल जाते हैं, जो भी लोग यहाँ से नकल मकानी करते थे, क्योंकि स्नोफॉल इतनी होती है कि यहाँ पे जिंदगी बसर करना मुश्किल हो जाती है। और गर्मी में इसकी ये खासियत है कि मौसम ठंडा होता है और यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि उनके पास जानवर होते हैं और जानवर जो है यहाँ आसानी के साथ रह सकते हैं, क्योंकि खास चारा जो है उसको उनको मिल जाता है, पानी है। और आइए आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं। प्यारे मनाजर हैं, मौसम भी बड़ा प्यारा है। वह देखिए रोड है जहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ पे हम पहुँच आए हैं, काफ़ी हाइट पे हैं। और ये जो आपको मैंने बताया था नीचे जो आपको नज़र आ रही है क्रिकेट की पिच है, विकेट जैसे जहाँ पे बैटिंग की जाती है और क्रिकेट बच्चे जो हैं देख रहे हैं, ड्रोन को देख रहे हैं। और आपको मकान दिखाई दे रहे हैं जो कि टोटली जो है कच्चे मकान है, और कच्चे मकान है लेकिन जिंदगी बड़ी सुकून की है इन घरों में। पीसफुल लाइफ, नेचर, हर तरफ नेचर, ग्रीनरी, आबो हवा साफ, पानी, यहाँ की सब्जियाँ, देसी खुराक, लाइफ में इन जगहों को देखना चाहिए। अगर पीसफुल लाइफ गुजारनी हो तो इन जगहों को विजिट कीजिए। पीसफुल लाइफ, हेल्दी लाइफ, अभी भी जो है ना जिस तकरीबन हम जिस वक्त आए हैं ये वैसे सीजन का एंड चल रहा है, क्योंकि इस टाइम जो है ना सब्जा जो है वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाता है, ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है। इसका सही वक्त अगस्त के महीने में या अगस्त से पहले बंदा आए ना तो उस टाइम हर तरफ ग्रीनरी ही ज़्यादा होती है। आइए आपको एक खूबसूरत अजान सुनाते हैं, बहुत प्यारी अजान है, सुनिए, हमारे साथ रहिए।
आखिरी मनाज़र इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।